लिखता रहता हूं मैं। मैंने लिखा कि रात को सोया गहरी नींद में, सुबह हुई तो जाग गया। ठीक है, रात को सोया गहरी नींद में, सुबह हुई तो जाग गया। 3 लाख का लश्कर इस्लामाबाद में लेके खुद वजू के बहाने भाग गया। चाहता हूं मैं बस तुम ही को, बात मेरी ना भूलो, हाथ अगर लगा सको ना आंखों से तुम छू लो, पापी चूलो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। एंकरिंग में तो मैं वैसे ही आ गई, बचपन से मुझे शौक था एक्टिंग करने का। शीशे के आगे खड़े होकर ना मैं बस एक्टिंग करती रहती थी कि कभी ना कभी तो मुझे बड़े से बड़ा रोल मिल जाएगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक कमाल के राइटर, पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका जो नाम है वो है उस्ताद सलीम जख्मी। इन्होंने मुझे ये कहा है कि ये मेरे लिए कोई ड्रामा लिखेंगे जिसमें मैं हीरोइन आऊंगी। पहले तो इनसे बात करते और इनका हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। अभी आपने सुना होगा, मैंने लोगों को बताया कि आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ड्रामे लिखे हैं, तो जरा लोगों को बताएं कि कौन कौन से ड्रामे आपने लिखे हुए हैं। अरे भाई, ऐसा वैसा ड्रामा लिखा है, हवाया लिखा हुआ ड्रामा, इतना इतना कामयाब हुआ। इमरान अशरफ का ड्रामा रांझा रांझा कर दी, भोले वाला। हाँ, वो भी आपने लिखा है? मैंने उसके जवाब में लिखा था क्यों रांझा रांझा कर दी भाई, पंजा पूछे उन्होंने और कोई काम नहीं, क्यों कर दी। वो उसमें भोला बना था ना, मैंने उसके मुकाबिल एक लेके आया मैं बंदा। अच्छा। इमरान के मुकाबिल एक बंदा लेके आया, इमरान बना था भोला, वो काफी मोटा था, उसे मैंने बना दिया गोला। और वो बदतमीज बड़ा था, उसका मैंने फिर दूसरा नाम रखा बड़बोला। अशरफ सुनेगा ना तो जूते मारेगा। अरे इमरान जो है वो बड़े भाइयों की तरह है। गाना बड़ा लिखा हमने, शेर बड़ा बड़ा लिखा। अच्छा। ऐसा ऐसा शेर लिखा कि हमारा लिखा हुआ शेर। कोई एक शेर हमारे व्यूअर्स को सुनाए अच्छा सा, ताकि उनको पता चल जाए ना कि आप कितने कमाल के शायर हैं। जानता हूँ कि किस्मत में नहीं है कैटरीना मेरी, फिर भी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लिखा मैंने, लिखा बचपन से, लिखने का शौक था मुझे और लिखता रहता हूं मैं। मैंने लिखा कि रात को सोया गहरी नींद में, सुबह हुई तो जाग गया। ठीक है। रात को सोया गहरी नींद में, सुबह हुई तो जाग गया। 3 लाख का लश्कर इस्लामाबाद में लेके खुद वजू के बहाने भाग गया। कौन भाग गया? कौन समझदार है, आवाम खुद देखेगी कौन भाग गया। ये लिखा कुछ मैंने इशाद के, चली ऐसी आंधियां के उड़ गए छप्पड़। अच्छा। चली ऐसी आंधियां उड़ गए छप्पड़, 71, 72, 73, 74। क्या है, मेरे लिए शायरी कब लिखेंगे आप? तेरे लिए लिखनी है शायरी, ऐसा लिख दिया तुम्हें, ये तुम पर है, तुम्हारी खूबसूरती पर। कि मैं सज्जे देखा मैं खब्बे देखा। अच्छा जी। मैं सज्जे देखा मैं खब्बे देखा, मैं पीछे देखा मैं आगे देखा। ठीक है। जिथे देखा दिसनी है तू। अच्छा। तेरा दुर फिटे मुंह। मैं इंटरव्यू नहीं करना, बंद करो यार कैमरा। कहता है कि आज बाग में कली है कल गुलाब होगा। अच्छा। क्या लिखा है मैंने? कि आज बाग में कली है। हाँ। कल गुलाब होगा। हाँ। मुझसे शादी करो सवाब होगा। आज बाग में कली है कल गुलाब होगा। वाह। आज बाग में कली है कल गुलाब होगा, तुमसे शादी करूंगी तो मुझे लगता है अजाब होगा। अरे वाह 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 वाह। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे शेर मैंने लिखे कि सुनते बंदे की हैरत गुम हो जाती है। कि ऊंचे सरू पे बैठ के बुलबुल ने ये कहा। ठीक है। क्या कहा? बड़ा काबिले गौर शेर है। कि ऊंचे सरू पे बैठ के बुलबुल ने ये कहा। क्या कहा? आंडे गरमांडे। क्यों आंडे? ये मैं कहां
से शेर नहीं है, शेर नहीं है ये। फिर क्या है? आज के मौसम में हर गरीब की आवाज को चोरी किया मैंने। 3500 रुपए का हो गया, बंदा ले भी नहीं सकता। मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना महंगा अंडा, मुझे लगता है कि अब खान साहब की बजाय कुकड़ियां धरना देंगी। सर मैंने ना हीरोइन बनना है, मैंने लोगों के सामने तमाशा नहीं बनना। लोग क्या कहेंगे, ये कैसा राइटर है? अरे मेरे हाथ में कलम है, मैंने को डोकडोकी नहीं पकड़ी जा रहा है करके कि मैं तमाशा लगा रहा हूँ। इस कलम का भी आप मजाक बनवाएंगे? बात ये है, कलम का मजाक जिसने बनाया वो कौम गरक हो गई। दो कौमें गरक हुई लड़की। ठीक घूम रहे हैं। अरे दो कौमें गरक हुई, मेरी भी सुन लो, खुला सरफ बेचने वाली। दो कौमें गरक हो गई, एक जिन्होंने कलम की बेहरमती की, दूसरी जिन्होंने करेलों की बेहरमती की। और ऐसा ऐसा लिखा मैंने, अच्छा, कि समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। समंदर के किनारे आबादी नहीं होती। हाँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ शादी नहीं होती। क्या मसला? ये आपने लिखा है? लग भी वैसे यही रहा है कि आपने लिखा है। मैंने लिखा है, ये मेरा खुद का शेर है, सलीम जख्मी। मुझे लगता है ना ये बहुत बड़ी खर्चा है, इन्होंने कोई ड्रामे नहीं लिखे, हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या लेने आई हो इधर? मैं अपने लिए ड्रामा लिखवाने आई थी, आपने कहा था आपने को ड्रामा लिखा है जिसमें मैं हीरोइन आऊं। रोल चाहिए तुम्हें? हाँ, हीरोइन का। अच्छा अच्छा, हीरोइन वाला नहीं, मेरे पास आलू वाला रोल होता है, वेजिटेबल रोल होता है, क्रीम रोल होता है। शायर है, मेरा दिल कर रहा है। चाहता हूँ मैं बस तुम ही को, बात ना ये तुम भूलो। अच्छा। चाहता हूँ मैं बस तुम ही को, बात मेरी ना भूलो। हाथ अगर लगा सको ना, आंखों से तुम छू लो, पापी चूलो। मुझे पता नहीं क्यों ना मेरी चट्टी इसके आ रही थी, एंड में बंदा यही बोलेगा, इतना तो समझ आ गई है। वाह 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 वाह। अब क्या हुआ है? कि मैंने अपने बाबा सा सखी नहीं देखा। ठीक है। मैंने अपने बाबा सा सखी नहीं देखा, जो बेच के अपनी गाड़ी बंगला, बेटे को कहे दुबई जाओ, बालो कुड़ियो चीज मंडी लाई जाओ। कैमरा बंद करें, बस बस हो गई। अब मेरे कानों में ना जख्मी हो गए, अंदर से खून आ रहा है इतनी गंदी शायरी सुन के। जितनी शायरी मैंने सुनी है ना, तो मुझे एक अच्छा शेर आया है। बोलो इरशाद जी। इरशाद मुश्ताक नवाज लिया सारी। आओ दर्द बांटते हैं, आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिलके चीखे मारते हैं। ढाई तीन लाख का उधार का खाता है, हम जाते हैं अल्लाह हाफिज़।